ये भी टाइगर ने रोड किया ना। आसो कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है? फीमेल है ये। यहाँ पे आज मेला लगा है गर्जिया माता मंदिर के यहाँ पे। तो जो मैनेटर टाइगर थे वो पकड़े गए हैं, टाइगर्स भी पकड़े गए और टाइगर भी पकड़े गया, उसका कब ही था अलग, ये अभी कंफर्म नहीं किया गया अभी तक कि उसका कब था कौन था, लेकिन जो उसकी एज है उसके हिसाब से उसका कभी हो सकता है। और एक दूसरा जो कब था उसका कुछ पता नहीं अभी। वैसे बता रहे हैं कि सुंदरखाल गांव के आसपास साइटिंग हुई है एक नए टाइगर की, और वो टाइगर्स के साथ ही घूम रहा है। अगली बात नहीं है कि हर टाइगर मैनिटर नहीं होता, तो वैसे तो यहाँ पे करीब करीब 250 के करीब, 250 क्या 250 से ज़्यादा हो गए होंगे टाइगर्स, लेकिन इतने ज़्यादा इंसिडेंट नहीं होते। अगर जो सारे मैनिटर होते तो कितने सारे इंसिडेंट हो जाते। तो यहाँ से गर्जिया देवी मंदिर का रास्ता जाता है, और नवरात्रों के बाद फर्स्ट संडे था आज, मतलब है आज, तो यहाँ पे बहुत भीड़ आई है आज। अब ये यहाँ से सुंदरखाल गांव स्टार्ट हो गया है। हेलो भैया, अगर बारिश बिल्कुल बिल्कुल ना। हेलो, कॉफी लेंगे बाद। सुंदरखाल विलेज, अभी थोड़ी देर पहले कॉल हुई थी, पनोद नाला, फर्स्ट पनोद नाला की साइड में। ये कॉल हो रही है पीछे। तो ये हमारे अंकल जी हैं, वीरू भाई के फादर साहब, भाई के साथ हम डिनर कर रहे हैं। तो वीरू भाई ये कौन? ये है फिश, यहाँ कोसी रिवर की फिश होती है, कोसी रिवर की। ये अंकल ने बनाई है हमारे लिए स्पेशल। और आपने ना एक वो जो नून नमक बताया था, क्या ये पहाड़ी नून चटनी होगी? ये अवस्थी जी की चटनी, झकास चटनी। अवस्थी जी हेलो उन्होंने नाम दिया है इसको झकास चटनी। तो हम उनके छोटे भाई, हम भी आज से झकास चटनी बोलेंगे। ये आलू जीरा, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती। हाँ, तो स्पेशल आलू जीरा बनाया। अच्छा, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ अगरबत्ती जला रखी है स्टार्टिंग में जब मैं आया, मतलब कुछ अलग सी अगरबत्ती की स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या आपने कोई अगर, ये एक्चुअल में ना जंगल की फ्रेग्रेंस थी जो सामने से किस फूलों की खुशबू, मतलब इतनी सूदिंग खुशबू थी कि बस मैं तो वहाँ गेट के वहाँ पे खड़ा हो गया था मैं। एक ये बर्ड कौन सा बोल रहा है इतनी देर से बोले जा रहा है? ये रात भर बोल रहा है। अच्छा, और वो जो कॉलिंग हुई थी वो कौन सा होता? तो नीचे नाले पे हुआ था। तो अभी मतलब 3-4 दिन से तो दिख नहीं रहा ना यहाँ पे टाइगर? अभी तो नहीं, जो फर्स्ट जो बारिश हुई थी उसके बाद से अभी तक नहीं दिखाई दिया। अभी बीच में एक बार रूमर्स आया था कि यहाँ पे कोई टाइगर और टाइग्रेस घूम रही है, ऐसा था क्या कुछ? वो पकड़े जाने के बाद वो जो T2 नाम रखा उसका, T2। अच्छा, वो तो है यहाँ पे। हाँ, पर देखा कि उसके बाद फीमेल भी साथ घूम रही है। जो बाद में जो मेल पकड़ा था वो बताया गया कि वो लंगड़ी का बेटा था। लंगड़ी का बेटा 3 साल का था, जो 3 साल का, तो 3 साल का टाइगर 450 kg का है। तो 450 kg का, तो जो साइबेरियन टाइगर होते हैं ना उनका वेट होता है इतना बड़ा। तो वहाँ थोड़ा समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या यहाँ के। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये कि मच्छर इतने हेल्दी हैं तो टाइगर तो होने ही है। अभी इतने मोटे मोटे मच्छर, लेकिन वो काट नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे को काट नहीं रहे थे। वही है, वो सोच रहे होंगे नहीं ये दिल्ली से है, बीमार हो जाएंगे। ये भी टाइगर ने रोड किया ना,
ये अभी टाइगर के रोर की आवाज आई है। गाय गाय को किल कर दिया है। गाय को मार दिया। मैंने भी सुन लिया। ये फिर से हुई रोड हुई है ना। तो चले नहीं वापस चलते हैं इधर उधर। हाँ अरे ये स्पॉटेड डियर है। और अभी थोड़ी देर पहले क्रॉस ये स्पॉटेड डियर है। गाड़ी की लाइट पड़ेगी इसमें। और अभी थोड़ी देर पहले टाइगर ने पीछे किल किया है। ये बहुत स्लो चल रहा है। एक और है वेट कर रहा है वो रहा ऊपर। ये रहा ये भाग के जा रहा है ना। क्रॉस कर लिया। हो गया है पूरे 10 बज गए। 9:59 अंदर बाय गुड नाइट। और ये मेरे जो राइट में जो जगह है सुंदरकाल ये इधर ये राइट में अभी इधर थोड़ी देर पहले टाइगर ने किल किया है। उसकी आवाज आएगी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा वीडियो में सुनाऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर है उसकी आवाज आएगी। अभी हम खाना खा ही रहे थे बस यहाँ पे ना खाना खाने के दौरान ही हमें एकदम से आवाज आई टाइगर की। टाइगर ने कोई मतलब यहाँ पे किल किया है या तो डियर का किया है या कोई गाय जो छोड़ी हुई गाय होती है उसको किल किया है। और अभी एक्चुअल मैंने काफी देर से इसकी टाइगर की कॉल हो रही थी। सबसे पहले तो पार्किंग डियर ने इसकी कॉल करी फिर पार्किंग डियर के बाद जो कॉल हुई थी वो हुई थी इसकी स्पॉटेड डियर की। फिर काफी देर तक कॉल रुक गई थी फिर एकदम से जो है ना जो सांबर डियर है उसकी तीन बार कॉल हुई और सांबर डियर के साथ में एकदम से पीकॉक की भी कॉल हुई। और थोड़ी देर में ही हम जैसे खाना हमें लगा चलो ठीक है कॉल हो रही है थोड़ी 100-200 मीटर की दूरी पे कॉल हो रही होगी तो यहाँ पे घूम रहा होगा टाइगर। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद ही ना आवाज आने लगी टाइगर की कॉलिंग की और जैसे उसने कोई किल किया हो उस टाइप से कुछ दम घुटने की ऐसा कुछ आवाज आ रही थी। तो फिर हमने जाके देखा हमें दिखाई तो नहीं दिया लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी। ये पनोद नाला है ये पनोद नाला 2 है और पहले उसकी आवाज आ रही थी पनोद नाला 1 के यहाँ पे लेकिन उसने किल किया है सुंदरखाल गांव के पीछे जो कोसी रिवर है उस साइड में। जो आपने मेरी एक पहले जो एक वीडियो देखी होगी ना सुंदरखाल से रिलेटेड जिसमें मैं पेड़ के पास खड़ा हुआ हूँ तो उसी जगह पे ये किल हुआ है उसके आसपास ही मतलब। हम जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस जहाँ पे हमने स्टे किया है
एक्चुअल में खाना खाते खाते हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, बातों बातों में पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। दो तीन है शायद, तीन स्पॉटेड डियर इनको। हाँ हाँ हाँ